अजित पवार के सूत्रों ने कहा, अगर एनसीपी अपने सहयोगियों कांग्रेस और शिवसेना से अधिक सीटें हासिल करती है तो अजित पवार को सीएम उम्मीदवार बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजित पवार की भूमिका होगी खास, कुछ बड़ा करने के मूड में है शरद पवार, आइए जानते हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने जहां सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र का पार्टी प्रभारी बनाया है और केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण का प्रमुख भी नियुक्त किया है, वहीं अजित पवार के लिए इनाम का कुछ वादा अभी भी हो सकता है। एनसीपी को उम्मीद है कि वह महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएंगे और 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद एमवी के सत्ता में वापसी सुनिश्चित करेंगे। अगर एनसीपी अपने सहयोगियों कांग्रेस और शिवसेना से अधिक सीटें हासिल करती है और एमवीए आधे रास्ते को पार कर जाती है तो अजित पवार सूत्रों का कहना है कि सीएम उम्मीदवार होंगे। हालांकि सुले की पदोन्नति का मतलब है कि वह लोकसभा और विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाएगी। अजित पवार ने शनिवार शाम फेरबदल के बारे में कहा, मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे राज्य की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी है। अजित पवार ने शनिवार को कहा कि जब पवार ने पिछले महीने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने की इच्छा जताई थी तब उन्होंने एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सुप्रिया सुले के नाम का प्रस्ताव दिया था। अजित ने कहा कि जो लोग यह कह रहे हैं कि उन्हें एनसीपी में कोई पद नहीं मिला, उन्हें समझना चाहिए कि पार्टी ने उन्हें विपक्ष के नेता का पद दिया है और वह महाराष्ट्र की राजनीति पर ध्यान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।